डिप्टी कमिश्नर गुजरात आमिर शहजाद कंग का कहना है कि हुकूमत पंजाब की हदायत पर जिला भर में ग्राम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। माह सितंबर के पहले दो हफ्तों के दौरान 253 ग्राम फरोशों के चलान करके इन पर 6,72,500 जुर्माना आयद किया गया, जबकि एक ग्राम फरोश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवाला पुलिस कर दिया गया। इन हालात का इजहार उन्होंने प्राइस कंट्रोल के हवाले से जारी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग के दौरान किया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि माह सितंबर के पहले हफ्ते के दौरान प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट ने मजमुई तौर पर 1477 बाजारों, मार्केटों और दुकानों में अशिया जरूरिया की कीमतों की चेकिंग की। इस दौरान 253 दुकानदार ग्राम फरोशी रेट लिस्ट में अवेजा न करने के मुर्तकिब पाए गए, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में अशिया जरूरिया गैर कानूनी जहीरा करने वाले एक नाजायज मुनाफा होर को भी पकड़ा गया। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बाकायदगी से मार्केटों का दौरा करे, मुकर्रर करदा नरहों पर अशिया हुर्दनोश की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए, खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।